हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ इफ्तारी में चने की चाट और प्याज के क्रिस्पी पकोड़े, जिसे प्याजू भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने चने को 4 से 5 घंटे के लिए भिगो के रख लिया था। अब लेंगे एक कुकर, उसके अंदर हमने 3 बड़े चम्मच तेल डाल देना है। अब इसमें पतला पतला कटा हुआ 4 बड़े साइज़ के प्याज डाल देंगे इसके अंदर, क्योंकि जो चने की चाट है उसमें प्याज का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। तो ढेर सारा इसके अंदर हमने प्याज डाल देना है। बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे ढेर सारी। अब इसको हमने चलाते हुए इसको हल्का पिंक कलर होने तक इसको भून लेना है। ज़्यादा हमें गोल्डन कलर नहीं लाना है प्याज में, और इसको अच्छे से हमने चलाते हुए भून लेना है। और यहाँ देखिए, जो हमारे प्याज है वो अच्छे से भून चुका है। अब इसमें हम डालेंगे अदरक के लच्छे, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो इसके अंदर डाल के हमने एक बार इसको भून लेना है प्याज के साथ। एक बार चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे चने, जिसको मैंने अच्छे से धो के और इसका पानी निकाल के ले लिया है, वो डाल देंगे इसके अंदर। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे ढेर सारा, और इसको एक बार चला के अच्छे से भून लेंगे। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल देना है, ताकि जो हमारे चने हैं वो जले ना नीचे से। और इसको बंद करके हमने 2 सीटी लगा लेना है, और जब तक हमारे चने पक रहे हैं तब हम पकौड़े की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 5 बड़े साइज़ के प्याज को पतला पतला कट करके ले लिया है पकौड़े के लिए। अब इसके अंदर डालेंगे हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे 2 चम्मच। इससे पकौड़े में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो ये डाल देंगे 2 चम्मच। अब इसके अंदर हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। अब यहाँ पे मैंने 2 कप बेसन ले लिया, वो डाल देंगे इसके अंदर, और हल्का सा फूड कलर डाल देंगे। और इन सभी को बिना पानी डाले हुए अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट है उसके अंदर पानी होता है, और प्याज के अंदर भी पानी होता है। तो पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर जितना ज़रूरत होगा पानी का उतना डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ देखिए, अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ हमारा पकौड़े का मिक्सचर तैयार है। और यहाँ हमारे जो चने के 2री सीटी भी लग चुकी है, चना पक चुका है, इसको निकाल के साइड में रखेंगे। और यहाँ तेल भी अच्छे से गर्म हो चुका है, ये देखिए। अब इसके अंदर हमने पकौड़े फ्राई करने हैं, तो हाथों की मदद से थोड़े थोड़े हमने पकौड़े का मिक्सचर को डाल देना है तेल के अंदर, और इसको अच्छे से हमने फ्राई कर लेना है। सारे हमने थोड़े थोड़े डालने हैं, और ये अपने आप ही अलग हो जाएंगे सारे पकौड़े फ्राई होने के बाद। बहुत ही क्रिस्पी फ्राई होकर निकलते हैं। तो मैंने सारे पकौड़े डाल दिए हैं। अब इसको हमने पलट के दूसरी साइड से भी अच्छे से फ्राई कर लेना है। और यहाँ देखिए, जो हमारे पकौड़े वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। कितना अच्छा इसका कलर आया है, और ये बहुत ही क्रिस्पी बनने हैं, ये देखिए। अब इनको हमने निकाल लेना है, और दूसरे बैच को भी हमने ऐसे ही फ्राई कर लेना है। और सारे पकौड़े अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम चना देखेंगे खोल के, और यहाँ देखिए हमारे चने हैं वो भी अच्छे से पक चुके हैं। एक बार मैं चला के दिखाती हूँ आपको, ये देखिए। और जिसमें इसमें थोड़ा सा पानी है, इसको हमने गैस पे रख के जला लेना है। और यहाँ देखिए, मैंने पानी को अच्छे से सुखा के ले लिया एक बोल में। अब इसके अंदर बारीक कटा हुआ ढेर सारा प्याज डाल देंगे, बारीक कटा हुआ टमाटर डाल देंगे, और बारीक कटा हुआ ढेर सारा हरा धनिया डालेंगे इसके अंदर। अब इसमें 1/2 नींबू का रस निचोड़ देंगे, क्योंकि चाट में बिना नींबू ना पड़े ऐसा हो ही नहीं सकता। तो 1/2 नींबू का रस इसमें निचोड़ेंगे, और ढेर सारा चाट मसाला डालेंगे। और इन सभी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और आप अगर ऐसे एक बार चाट बना के देखो तो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है, तो ज़रूर बनाइएगा और कमेंट में बताइएगा कि कैसा बन के तैयार हुआ है। और यहाँ देखिए, जो हमारी चाट है वो बन के तैयार हो गया है। और इसकी रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं आपको पकौड़े भी दिखाती हूँ, वो भी बहुत ही क्रिस्पी फ्राई हुए हैं, ये देखिए। हमारे जो क्रिस्पी पकौड़े हैं वो भी बनके तैयार हैं।